का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दिल्ली मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ी खबर। आरोपी साहिल को बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। साहिल ने 20 से ज्यादा बार चाकू मारकर इस वारदात को अंजाम दिया था। लगातार पुलिस तलाश रही थी आरोपी को, और फिलहाल साहिल नाम का यह व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तो दिल्ली मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी साहिल बुलंदशहर से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने फिलहाल साहिल को गिरफ्तार किया है। और ये सनसनीखेज खबर सामने आई थी, जिसमें कहा गया और जो बात सामने आई कि साहिल ने 20 बार चाकू से हमला किया था, इस वारदात को अंजाम दिया था। 20 से भी ज्यादा बार चाकू से वार किया था। यही वो साहिल जिसको गिरफ्तार किया है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से दिल्ली पुलिस ने। लगातार पुलिस इसको तलाश रही थी, पुलिस पूरी तरह से ये चाह रही थी जल्द से जल्द ये गिरफ्त में आ जाए, और आखिरकार पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। साहिल नाम का ये शख्स जो दिल्ली मर्डर में के बाद सुर्खी में आया था, 20 से ज्यादा बार चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने के बाद, इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था साहिल, और अभी दिल्ली पुलिस जो लगातार इसको तलाश रही थी गिरफ्त में आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुई थी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, और अब गिरफ्तार किया जा चुका है साहिल नाम के इस युवक को। पूछताछ जाहिर तौर पर अदालत में पेश करने के बाद रिमांड पर लेने की मांग करते हुए करेगी पुलिस, और इस लिहाज से क्या कुछ